न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। कश्मीर के सोफिया में हुए आतंकी मुठभेड़ में मध्य प्रदेश के सतना के लाल कर्णवीर शहीद हो गए। बुधवार को हुए आतंकी मुठभेड़ में सतना जिले के दलदल गांव निवासी कर्णवीर आतंकी हमले में लड़ते हुए दो आतंकियों को ढेर करते हुए माटी के लाल माटी में समा गए। शहीद कर्णवीर की अंतिम यात्रा के लिए उनके पार्थिव शरीर को राजकीय एवं सैन्य सम्मान के साथ कश्मीर से प्रयागराज होते हुए उनके गाँव दलदल लाया गया, जहाँ हजारों लोगों ने उनको नमन किया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर जिले में लाया गया, उनके पार्थिव शरीर को लाखों लोगों ने नमन किया। और कर्णवीर अमर रहे के नारों के साथ उनको प्रणाम किया। जिसने भी यह नज़ारा देखा, मानो उसकी आंखें नम हो गईं। जहां उनके गांव दलदल में उनके बड़े भाई शक्ति प्रताप ने शहीद कर्णवीर के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्णवीर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और माटी के लाल के शहीद होने पर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद के साथ भाई शक्ति प्रताप को सरकारी नौकरी देने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा प्रदेश कर्णवीर का कर्जदार है, उनके परिवार को पूरा मध्य प्रदेश हमेशा याद रखेगा। साथ ही उनके नाम पर शहीद स्मारक और कृषि भवन का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शहीद को प्रणाम करते हुए अंतिम विदाई दी। दो आतंकवादियों को ढेर करके और अंततः स्वयं भी शहीद हो गए। धन्य है ऐसा जीवन और धन्य है ऐसा पुत्र। ये परिवार अब संपूर्ण मध्य प्रदेश का परिवार है। हमने तय किया है 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को भेंट की जाएगी। उनके भाई हैं शक्ति सिंह, उनको सास की सेवा में रखा जाएगा। मैं उनके चरणों में एक बार फिर श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा ने उन्हें अपने चरणों में ही स्थान दिया है। गर्व है मध्य प्रदेश को अपने ऐसे बेटे पर। ओम शांति। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।